सो वी आर गोइंग टू डू लैम्डा फंक्शंस, ठीक है। लैम्डा फंक्शंस क्या होते हैं? लैम्डा फंक्शंस आर ऑल्सो नोन एज एनोनिमस फंक्शंस, ऐसे फंक्शंस जिनका कुछ नाम नहीं है, ठीक है। और ये ऐसे फंक्शन है जो एक लाइन में लिखे जाते हैं, ठीक है, ये मल्टी लाइन स्पैन नहीं करते, ठीक है। अब लैम्डा फंक्शंस एक्चुअली आर क्वाइट यूजफुल, आई टेल यू इसका एग्जैक्ट यूज क्या होता है, लैम्डा फंक्शंस क्यों यूज करने चाहिए नॉर्मल फंक्शंस के बदले, कहाँ यूज करने चाहिए हम सीखेंगे। बट पहले आई विल फर्स्ट शो यू कि एक लैम्डा फंक्शन कैसे बनाया जाता है, ठीक है। सो लेट मी शो यू वन सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई शो यू कि व्हाट इज द सिंटेक्स। सो द सिंटेक्स इज दिस कि यू यूज द लैम्डा कीवर्ड, देन यू राइट द इनपुट और फिर द एक्सप्रेशन, ये होता है आपका लैम्डा फंक्शन, ठीक है। सो लैम्डा कीवर्ड, यहां पे आपको जितने भी इनपुट्स चाहिए उस फंक्शन में और यहां पे उस इनपुट के साथ आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। लेट्स से आप एक ऐसा लैम्डा फंक्शन बनाना चाहते हो जहां पे आपको जो इनपुट मिल रहा है आप उसका स्क्वायर कैलकुलेट करके देना चाहते हो, लेट्स से। तो आप क्या करोगे, आप ये कोड लिखोगे, यू वुड राइट लैम्डा, आपको इनपुट में मिल रहा है एक नंबर लेट्स से एक्स, और आप उसके ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड दैट इज योर लैम्डा फंक्शन, ठीक है। अगर आप इसको एक वेरिएबल में स्टोर करो जो कि आप कर सकते हो, और उसके बाद अगर आप इस एक्स को रन करो और यहाँ पे अगर आप 9 प्रोवाइड करो यू विल गेट 81, या सो ये सेम काम आप डेफ कीवर्ड लगा करके भी कर सकते थे, बट ये आपने यहाँ पर एक लाइन में कर दिया, ठीक है। एक और लैम्डा फंक्शन में आपको बना के दिखाता हूँ जहाँ पे आपको दो नंबर्स मिलेंगे और आप दोनों का सम रिटर्न करोगे, ठीक है। सो एक्स कॉमा वाई, इस बार आपको दो इनपुट्स मिल रहे हैं और आप उनके साथ क्या कर रहे हो, एक्स प्लस वाई, ठीक है। दिस इज अनदर लैम्डा फंक्शन, इसको भी अगर हम चाहें तो ए में स्टोर कर सकते हैं लेट्स से, ठीक है। और अब अगर आप ए के अंदर दो चीजें पास करो 4.5, यू आर गेटिंग 9, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू डिक्लेयर लैम्डा फंक्शंस, ओके। अब द क्वेश्चन इज कि डिफरेंस क्या होता है नॉर्मल फंक्शन और लैम्डा फंक्शन में, क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। सो कुछ डिफरेंस तो आपको क्लियरली दिख जाएगा। पहला डिफरेंस ये होता है कि लैम्डा फंक्शन में लैम्डा हैज नो रिटर्न वैल्यू। जैसे फंक्शन में आप वैल्यू रिटर्न करते हो, लैम्डा में आप वैल्यू रिटर्न नहीं करते, ठीक है। सेकेंड, लैम्डा फंक्शन, इनफैक्ट लैम्डा फंक्शन जो होता है ना, इसमें रिटर्न पूरा फंक्शन रिटर्न होता है। मतलब आप समझने का ट्राई करना, जैसे मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा और फिर मैंने a इक्वल टू ये लिखा, तो एक्चुअली अगर मैं टाइप ऑफ a निकालूं तो इट्स अ फंक्शन। सो यहां पे जो है ना, लैम्डा जो है वो आपको एक पूरा फंक्शन रिटर्न करना है, रादर देन गिविंग यू अ वैल्यू, एक पूरा फंक्शन रिटर्न हो रहा है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। द सेकेंड डिफरेंस इज कि लैम्डा फंक्शन कैन बी रिटर्न इन ओनली वन लाइन, आप एक लाइन से ज्यादा का कोड नहीं लिख सकते, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। थर्ड, फंक्शंस आप क्यों बनाते हो, सो दैट आप कोड रीयूज कर पाओ। लैम्डा फंक्शंस को आप इसलिए यूज नहीं करते हो कि आपको कोड रीयूज करना होता है, लैम्डा फंक्शंस जनरली एक बार यूज करने के लिए बनते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसका यूटिलिटी क्या है। दिस इज द थर्ड डिफरेंस, नॉट यूज्ड फॉर कोड रीयूजेबिलिटी। लैम्डा फंक्शन का काम नहीं है कोड यूजेबिलिटी, नॉर्मल फंक्शंस को आप कोड यूजेबिलिटी करने के लिए करते हो बट नॉट लैम्डा फंक्शंस, ठीक है। द फोर्थ डिफरेंस इज कि आई हैव रिटन इट समवेयर एक्चुअली, यस, लैम्डा फंक्शन का कोई नाम नहीं होता, नो नेम, जबकि नॉर्मल जो फंक्शन आप बनाते हो उसका नाम होता है, डेफ पावर, पावर इज द नेम ऑफ द फंक्शन, लैम्डा फंक्शन का कोई नाम नहीं होता, ठीक है। सो दीज आर द फोर मेजर डिफरेंसेस बिटवीन लैम्डा एंड नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। नाउ कम्स द बिग क्वेश्चन, व्हाई, क्यों यूज करना चाहिए लैम्डा फंक्शन। ऑब्वियसली नॉर्मल सिनेरियोज में आप लैम्डा फंक्शन यूज नहीं करते हो, आप लैम्डा फंक्शन यूज करते हो अलोंग विथ हायर ऑर्डर फंक्शंस। सो नाउ कम्स द क्वेश्चन कि हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं। सो हायर ऑर्डर फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो, मतलब इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसका एक्चुअली प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। हायर ऑर्डर फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनको अपना काम करने के लिए इनपुट में एक और फंक्शन चाहिए होता है,
ध्यान से सुनना, हायर ऑर्डर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसको अपना काम कंप्लीट करने के लिए इनपुट में और एक फंक्शन चाहिए, ठीक है। या फिर एक ऐसे फंक्शन को भी आप हायर ऑर्डर फंक्शन बोलते हो जहां पे एक फंक्शन एक दूसरे फंक्शन को रिटर्न कर रहा होता है, मतलब उसका रिटर्न स्टेटमेंट इज अ फंक्शन। तो इस तरह के फंक्शंस को भी आप क्या बोलते हो, हायर ऑर्डर फंक्शन। अब क्या फायदा होता है हायर ऑर्डर फंक्शन का, क्यों यूज करते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन, ये थोड़ी देर के बाद समझ में आएगा जब हम हायर ऑर्डर फंक्शंस देखेंगे। बट उसके पहले मैं आपको कुछ और लैम्डा फंक्शंस क्रिएट करके दिखाता हूं सो दैट आपका थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। सो या लाइक लेट्स से मेरे पास मुझे ये चेक करना है कि मुझे जो गिवन स्ट्रिंग मिल रहा है उसका पहला लेटर ए है कि नहीं। लेट्स से मुझे ये चेक करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं ऐसे चेक कर सकता हूँ कि मैं एक लैम्डा फंक्शन बनाऊंगा, बी इज इक्वल टू लैम्डा, इनपुट एक्स है, एक्स इज अ स्ट्रिंग, और यहां पे मैं कर रहा हूं एक्स का जीरो एज इन फर्स्ट कैरेक्टर इज इक्वल टू ए, ठीक है। अब अगर मैं बी के अंदर एप्पल भेजू या जो भी भेजू तो इट विल गिव मी ट्रू, बट अगर मैं बी के अंदर बनाना भेजू इट विल गिव मी फॉल्स, ठीक है। तो यू कैन एक्चुअली यूज इट इन क्वाइट अ लॉट ऑफ सिनेरियोस जहां पे आप सोच पाओ कि कैसे यूज करना है। आप इसके साथ कंडीशंस भी यूज कर सकते हो, लेट मी शो यू। जैसे कि लेट्स से मुझे ये बताना है कि एक गिवन नंबर ऑड है या इवन है, ये मुझे बताना है, तो मैं कैसे कर सकता हूं, आई वुड राइट बी इज इक्वल टू लैम्डा एक्स कोलोन इवन इफ एक्स मॉडुलस टू इज इक्वल टू जीरो एल्स ऑड, दिस इज अ लैम्डा फंक्शन। सो अगर मैं बी में यहां पे थ्री डालू तो इट्स गिविंग मी ऑड, और अगर मैं बी में टू डालू इट विल गिव मी इवन। सो यू कैन सी आप सिर्फ एक लाइन में अपना पूरा का पूरा लॉजिक एक्सप्रेस कर पा रहे हो, ठीक है। तो इफ एल्स भी आप लगा सकते हो यहां पे कंडीशनल आउटपुट के लिए, और बहुत तरीके से आप लैम्डा फंक्शंस डिफाइन कर सकते हो, हम आगे करेंगे, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। बट दिस इज हाउ यू क्रिएट लैम्डा फंक्शंस इन पाइथन, ठीक है। नाउ विल शिफ्ट आवर डिस्कशन टू हायर ऑर्डर फंक्शंस, ठीक है। सो अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि हायर ऑर्डर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसको या तो इनपुट में एक फंक्शन मिलता है या फिर इसका रिटर्न एक आउटपुट में फंक्शन होता है। इस तरह के फंक्शंस को आप हायर ऑर्डर फंक्शन बोलते हो, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि हायर ऑर्डर फंक्शन कैसे काम करते हैं, ठीक है। लेट्स से हमारे पास एक लिस्ट है, इनफैक्ट एक काम करता हूं मैं एक नया फाइल बना लेता हूं। लेट्स से मेरे पास एक लिस्ट है, दैट लिस्ट इज लाइक दिस 11 14 21 23 56 78 45 29 28, ठीक है, कुछ भी एक लिस्ट है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक फंक्शन बनाना है जिसमें जिसका आउटपुट, मुझे तीन आउटपुट चाहिए उस फंक्शन से। मैं ये लिस्ट पास करूंगा और मुझे पलट के तीन आउटपुट चाहिए। पहला आउटपुट क्या चाहिए, मुझे इस लिस्ट में जितने भी इवन नंबर्स हैं उन सबका सम चाहिए, ये मुझे पहला आउटपुट चाहिए। मुझे सेकेंड आउटपुट क्या चाहिए कि इस लिस्ट के अंदर जितने भी ऑड नंबर्स हैं मुझे उनका आउटपुट चाहिए, ठीक है। और थर्ड क्या हो सकता है कि इस लिस्ट में जितने भी नंबर्स थ्री से डिविजिबल हैं मुझे उनका भी सम चाहिए, मुझे तीन नंबर्स चाहिए इस फंक्शन से। तो आपको अगर ये बोला जाता तो आप कैसे कोड लिखते, प्रोबेबली आप ऐसे लिखते, आप लेते डेफ, फंक्शन का नाम है रिटर्न सम, आपको ये लिस्ट मिला, आपने यहां पे तीन नंबर्स डिफाइन कर दिए, इवन अंडरस्कोर सम जो कि शुरू में जीरो है, ऑड अंडरस्कोर सम जो कि फिर से जीरो है, और डिव बाय थ्री अंडरस्कोर सम विच इज अगेन जीरो, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, आप लूप चलाते हैं फॉर आई इन एल, यहां पे कंडीशन लगाते हैं इफ आई मॉडुलस टू इक्वल टू जीरो, तो आप लिखते इवन अंडरस्कोर सम इज इक्वल टू इवन अंडरस्कोर सम प्लस आई, फिर आप नीचे एक और इफ लिखते इफ आई
मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो आप लिखते ऑड सम इज इक्वल टू ऑड सम प्लस आई। और ऐसे ही आप एक और इफ कंडीशन लगाते जहां पे आप डिविजिबिलिटी चेक करते 3 के साथ और सम परफॉर्म करते, और एंड में आप क्या करते, आप रिटर्न करते एक टपल के अंदर तीनों चीजें, इवन अंडरस्कोर सम कॉमा ऑड अंडरस्कोर सम, ऐसे करके आप रिटर्न करते, राइट। बट यू कैन सी ये लॉजिक मतलब अच्छा है, ठीक है, काम करेगा, बट आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो अगर आप इस फंक्शन को नॉर्मल फंक्शन से हायर ऑर्डर फंक्शन बना दो। मतलब ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं इसको हायर ऑर्डर फंक्शन बना दूंगा, मतलब ये एक फंक्शन एक्सपेक्ट करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक दिस, इसको लिस्ट भी चाहिए, इसको एक फंक्शन भी चाहिए, ठीक है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी हटा दिया मैंने, और मैं यहाँ पे नीचे मैं कुछ फंक्शंस बना रहा हूँ। सो मेरा फर्स्ट लैम्डा फंक्शन इज लैम्डा एक्स कोलोन एक्स मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। मेरा नेक्स्ट फंक्शन इज लैम्डा एक्स कोलोन एक्स मॉडुलस एक्स मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और मेरा थर्ड फंक्शन है लैम्डा एक्स एक्स डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 0। मैंने तीन लैम्डा फंक्शंस बना दिए, ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं रिटर्न सम को कॉल कर रहा हूं, और पहली बार मैं पास कर रहा हूं एक्स विच इज अ फंक्शन कॉमा एल विच इज माई लिस्ट, ठीक है। और मैंने कॉपी कर दिया, कॉपी कॉपी, और यहां पे मैंने बस पास कर दिया वाई, और यहां पे मैंने पास कर दिया जेड, ठीक है। और फंक्शन के अंदर मैं क्या कोड लिख रहा हूं ध्यान से देखो, मैंने रिजल्ट बोल करके एक वेरिएबल बना दिया विच इज इक्वल टू 0, फिर मैंने लिखा फॉर आई इन एल, जो भी मुझे लिस्ट मिला है वहां पे आई जस्ट डू दिस, इफ फंक्शन के अंदर आई को डालने से ट्रू आता है देन आई वुड राइट रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस आई, और जैसे ही ये पूरा लूप चल जाता है मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा रिजल्ट को, दैट्स इट, दिस इज द कोड, ठीक है, दिस इज द कोड। इसको मैं सेव कर लेता हूँ ऑन माई डेस्कटॉप, HIT ट्रेनिंग HOF डेमो, ठीक है। अब यहां पे देखो हो क्या रहा है कि मैंने मान लो पहले मैंने भेजा x और l को, तो x क्या था, अगर आप इसको एक नंबर दोगे तो ये चेक करके बताएगा कि वो इवन है कि नहीं, ट्रू या फॉल्स देगा, ठीक है। अब मानो कि ये हमने यहां पे x भेजा और यहां पे l भेजा, लूप पहली बार चल रहा है तो ये नंबर है 11, ठीक है, 11 यहां पे जाएगा इट विल गिव यू फॉल्स, तो आप अंदर नहीं घुसोगे, ठीक है। फिर आया 14 के लिए ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, आप यहां घुसोगे और रिजल्ट में आप सम को ऐड कर दोगे, और ऐसा ही आप हर इवन नंबर के लिए करते जाओगे और एंड में रिजल्ट को रिटर्न कर दोगे। जब आप वाई को भेजोगे तो इस बार आप कुछ और चेक कर रहे हो कि ऑड है या नहीं, और जब आप जेड को भेज रहे हो तो इस बार आप कुछ और चेक कर रहे हो कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं, और आप इसको जैसे ही रन करोगे ये रहे आपके तीनों सम, ठीक है। फायदा क्या हुआ, एक हायर ऑर्डर फंक्शन का फायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जनरली आप एक फंक्शन को एक इनपुट देते हो तो वो एक ही तरीके का काम करता है उस इनपुट के ऊपर हमेशा, बट एक हायर ऑर्डर फंक्शन को आप दो चीजें दे सकते हो, इनपुट भी दे सकते हो और बता भी सकते हो कि किस तरीके से काम करना है। सो यहां पे जो आपने हायर ऑर्डर फंक्शन बनाया, यहां पे एक्चुअली आपने नॉट ओनली आपने इनपुट दिया, वो तो दिया ही आपने, बट साथ ही साथ आपने इस फंक्शन से अलग बिहेवियर भी डिराइव करवाया यूजिंग दिस फंक्शन, दीज फंक्शन, लैम्डा फंक्शन, एंड दिस इज वेयर लैम्डा फंक्शंस आर यूज्ड एक्सटेंसिवली। मतलब पाइथन में यू वुड सी दिस काइंड ऑफ कोड वेरी फ्रीक्वेंटली, इंटरनेट पे बहुत ज्यादा इस तरह का कोड फ्लोट कर रहा है कि लोग क्या करते हैं, लोग हायर ऑर्डर फंक्शंस बनाते हैं जिसका बिहेवियर दे कंट्रोल यूजिंग लैम्डा फंक्शंस,
ठीक है। सो आई होप ये डिस्कशन आपको समझ में आया। अब हमें कुछ स्पेशल हायर ऑर्डर फंक्शंस पढ़ेंगे जो पाइथन में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे ये तो हमने बनाया, और अब हम ऐसा पढ़ेंगे जो ऑलरेडी पाइथन में है। प्रिसाइजली हम तीन फंक्शंस पढ़ेंगे। सो वी विल स्टडी मैप, वी विल स्टडी फिल्टर एंड वी विल स्टडी रिड्यूस। ये तीन हम पढ़ने वाले, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द मैप फंक्शन। मैप फंक्शन क्या करता है? सो मैप फंक्शन इज अ फंक्शन जो दो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे। फर्स्ट एक फंक्शन और दूसरा एक आइटरेबल। सो आइटरेबल कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी अ लिस्ट, इट कैन बी अ टपल, इट कैन बी अ सेट, इट कैन बी अ डिक्शनरी, जिसके भी ऊपर आप लूप चला सकते हो वो उसको एक्सपेक्ट कर रहा है, और साथ में एक फंक्शन एक्सपेक्ट कर रहा है, और वो फंक्शन एक लैम्डा फंक्शन होगा, ठीक है। मैप का काम क्या होता है कि अगर आप मैप को एक लिस्ट देते हो तो आप उस लिस्ट के हर आइटम के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हो। लाइक एक एग्जांपल है कि अगर हमारे पास एक लिस्ट है, लेट्स से विच इज लाइक दिस, ठीक है, दिस इज द लिस्ट, और इस लिस्ट में हमें क्या करना है कि हमें इसके हर आइटम को डबल करना है, ठीक है। तो ये आप इजिली करवा सकते हो मैप से। सो मैप में आपको बस इतना करना है, यू हैव टू राइट मैप, फंक्शन में आप लैम्डा फंक्शन प्रोवाइड करोगे जहां पे आपको इनपुट में एक्स मिल रहा है, और आप रिटर्न क्या कर रहे हो, एक्स का मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है, और साथ में आपने अपना लिस्ट पास किया और मैप फंक्शन को आपने बंद कर दिया, और आप जैसे ही एंटर मार रहे हो, दो ब्रैकेट्स नहीं लगेंगे, सिर्फ एक ही ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। तो ये रिटर्न जो करता है वो एक मैप ऑब्जेक्ट होता है, इसको आप ऐसे देख नहीं सकते। तो आपको क्या करना पड़ता है, इस मैप ऑब्जेक्ट को टाइप कन्वर्ट करना पड़ता है लिस्ट में। तो कैसे करोगे, आप बस ये कोड कॉपी करोगे और लिस्ट के अंदर इसको पेस्ट कर दोगे, और ये आपका आंसर, आपने हर आइटम को डबल कर दिया, ठीक है। सो मैप को अगर आप एक फंक्शन दो और एक लिस्ट जैसा डेटा टाइप दो, तो आप उस लिस्ट के हर आइटम के ऊपर कोई लॉजिक अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आई गेस आपको ये वाला चीज समझ में आ रहा है, ठीक है। यू कैन ऑल्सो चेक कि कोई कंडीशन ट्रू है कि नहीं, लाइक यू कैन चेक कि हर आइटम ऑड है या इवन है। इजिली कैसे, आप ये कोड लिखोगे, लिस्ट ऑफ मैप ऑफ लैम्डा, आपको जो एक्स मिल रहा है आप उसको 2 से डिवाइड करोगे और इक्वल टू 0 कर दोगे, ठीक है, और फिर कॉमा में आप एल पास कर दोगे। ये देखो, सो 1 इज फॉल्स, 2 इज ट्रू, 3 इज फॉल्स, 4 इज ट्रू एंड सो ऑन। सो यू कैन डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग यूजिंग अपना ये मैप फंक्शन, ओके। यू कैन ऑल्सो डू अ फ्यू थिंग्स, लाइक मैंने एक डेटा यहाँ पे रखा है, जस्ट वन सेकेंड, मेरे पास ये डेटा है, जैसे ये डेटाबेस से जब आप डेटा फेच करते हो तो इस तरह का डेटा आता है आपके पास, लेट्स से ये डेटा है, ठीक है, और मुझे क्या करना है, मुझे इसमें से सिर्फ नेम को निकालना है, ठीक है। इस मतलब यहाँ पे जो डेटा है, इट्स अ लिस्ट, लिस्ट के अंदर देर आर थ्री डिक्शनरीज, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे इससे एक नया लिस्ट बनाना है जहाँ पे सिर्फ नाम हो। तो मैं ये कोड कैसे लिख सकता हूँ, देखो एक बार, मैं लिखूंगा मैप, और मैप के अंदर आई विल पास लैम्डा, लैम्डा में मुझे मिलेगा स्टूडेंट, एक सिंगल स्टूडेंट एक बार में, और मैं रिटर्न करूंगा स्टूडेंट, जो एक सिंगल स्टूडेंट मिलेगा वो एक डिक्शनरी होगा, उस सिंगल स्टूडेंट का मुझे चाहिए, अच्छा बट ये काम नहीं करेगा क्योंकि मैं यहाँ पे नेम डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, ओके, ये ऐसे नहीं कर पाएंगे हम लोग, इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे एल पास करते हैं, ओके इट्स वर्किंग, अगर मैं इसको कॉपी करूँ, अच्छा उठा लिया उसने, फिर सही है यार, लिस्ट ऑफ दिस एंटायर थिंग, int object is not subscriptable, समझ गया, sorry, this is list,
तभी तो एरर आ रहा था, जैसे स्टूडेंट्स ना, लेट्स सी ये काम करता है कि नहीं। हाँ देखो काम कर रहा है, सॉरी। ठीक है, सो द मिस्टेक वॉज कि हम यहाँ पे एल ले रहे थे, और ऑब्वियसली एल में नहीं है सारा डेटा, ये सारा डेटा स्टूडेंट्स में है। सो जैसे जैसे आपको एक सिंगल स्टूडेंट मिल रहा है, आप बस उसका नेम फेच कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे जैकब मार्टिन, एंजेला स्टीवंस, रिकी स्मार्ट मिल जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह का काम आप करते हो जब आप डेटाबेस से चीज़ों को फेच करते हो। लेट्स से आपको क्या करना है, आपने डेटाबेस से सारा डेटा फेच किया और आपको प्रोफाइल कार्ड्स के अंदर सिर्फ नेम डिस्प्ले करवाना है, तो आप ये काम करोगे जो आपने अभी किया। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आप करते हो। या सो दिस वॉज मैप। नेक्स्ट इज फिल्टर। फिल्टर कैसे काम करता है कि फिल्टर में अपना आप कोई कंडीशन लगा सकते हो और अकॉर्डिंगली काम होता है। ठीक है, लाइक आई विल गिव यू वन सिनेरियो कि लेट्स से हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक लिस्ट में से वही नंबर्स चाहिए जो, जैसे कि हमारे पास एक एल है, हमें सिर्फ वही नंबर्स चाहिए जो 4 से बड़े हैं। तो आपका कोड कैसा हो जाएगा, आप लिखोगे, यहाँ पे भी आपको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिल्टर, फिर आप अपना लैम्डा फंक्शन पास करोगे, लैम्डा एक्स कोलोन एक्स ग्रेटर देन 4। ठीक है, और यहाँ पे आप अपना एल पास कर दोगे और ये रहा आपका आंसर 5, 6, 7। सो मैप क्या करता है, लिस्ट के हर आइटम के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है। फिल्टर क्या करता है, एक गिवन फिल्टर कंडीशन के बेसिस पे फिल्टर आउट कर देता है। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ और भी कर सकते हो, जैसे लेट्स से हमारे पास एक फ्रूट्स बोल करके लिस्ट है, लेट्स से इसमें है एप्पल, ऑरेंज, वी हैव मैंगो, मैंगो गुआवा। ठीक है, अब लेट्स से हमें इसमें से सिर्फ वही फ्रूट्स चाहिए जिनके नाम में ए आता है, एक्चुअली सभी में ए आता है, जिनके नाम में ई आता है। ठीक है, हमें सिर्फ वही फ्रूट्स चाहिए जिनके नाम में ई आता है। तो क्या कोड लिखोगे आप ये कोड लिखोगे, आप लिखोगे लिस्ट, अंदर आप लिखोगे फिल्टर, फिल्टर के अंदर आप लिखोगे लैम्डा वाला एक्सप्रेशन। सो आपको एक सिंगल फ्रूट मिलेगा हर बार, फ्रूट, और आप उस फ्रूट के ऊपर क्या करना चाहते हो, आप ये चेक करना चाहते हो हमने क्या डिसाइड किया, ई, आई गेस ई, ई इन फ्रूट, दिस इज द कंडीशन, और ये रहा आपका लिस्ट। फिर से एल डाल दिया मैंने, सॉरी, इट्स आउट ऑफ हैबिट, गेटिंग बिकॉज हैबिट हो गया, फ्रूट्स होगा यहाँ पे। ठीक है, और ये रहा गाइस आपका आंसर, एप्पल एंड ऑरेंजेस। ठीक है, सो तुरंत आप फिल्टर कर पा रहे हो अपने डेटा को बेस्ड ऑन एनी गिवन कंडीशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे यार आपके ऊपर है आप किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हो, बट दैट इज हाउ फिल्टर वर्क्स। मैप और फिल्टर में क्या डिफरेंस है, मैप आपका हर आइटम के ऊपर काम करता है, और फिल्टर क्या करता है, फिल्टर आपका फिल्टर्ड कंडीशन के ऊपर काम करता है। ठीक है, मतलब सभी के ऊपर काम ना करके बस फिल्टर्ड कंडीशन के ऊपर काम करता है। ठीक है, द थर्ड वन इज रिड्यूस। ये थोड़ा अलग है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये डायरेक्टली पाइथन के अंदर नहीं है, आपको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा फंक टूल्स, इसको बोलते हैं फंक्शनल टूल्स, इसके अंदर होता है रिड्यूस। सो रिड्यूस कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ, आई हैव टू गो टू द ब्राउजर, सो आई जस्ट ओपन दिस। लेट्स से आपके पास एक लिस्ट है जिसमें है 5, 7, 8, 13। ठीक है, और आपने आपने लिया ये रिड्यूस, और उसको आपने ये लैम्डा फंक्शन दिया, लैम्डा फंक्शन आपने ये लॉजिक दिया, एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई, मतलब दो इनपुट मिलेंगे और आप दोनों को सम करोगे। तो जैसे ही आप इसको फिल्टर में रिड्यूस में भेजोगे, रिड्यूस में जैसे ही आप इस लैम्डा को भेजोगे और इस लिस्ट को भेजोगे, तो क्या होता है, सबसे पहले ये पहले दो आइटम्स को उठाएगा, क्योंकि आपको दो चीज़ों के ऊपर एक साथ काम करना है, और करना क्या है, दोनों को सम कर देना। तो आप इन दोनों को सम कर दोगे और ये 12 हो जाएगा, और बाकी का लिस्ट एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, फिर आप दोनों को लोगे
और ये 20 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा, और फिर इन दिनों को लोगे और 33 हो जाएगा, और 33 विल बी द आउटपुट। सो रिड्यूस एक्चुअली क्या कर रहा है, आपके लिस्ट को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। आई गेस आपको समझ में आ रहा है। लेट मी राइट दिस कोड, ये रहा मेरा एल। अगर मैं ये कोड लिखूं रिड्यूस, इस केस में मुझे लिस्ट में कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, और यहाँ पे अगर मैं लिखूं लैम्डा एक्स कॉमा वाई कोलोन एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे अगर मैं पास करूं एल, सॉरी हमें फंक टूल्स डॉट लिखना पड़ेगा क्योंकि ये इस लाइब्रेरी के अंदर है, डॉट रिड्यूस, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, और ये देखो ये रहा आपका आंसर 28, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर करना गाइस, L1 बोल के मैंने एक लिस्ट लिया और यहाँ पे मैंने डाला 12, 34, 56, 11, 21, 58, ठीक है, ये मेरा लिस्ट है, और ये कोड मैंने लिखा फंक टूल्स डॉट रिड्यूस, और यहाँ पे मैंने ये लैम्डा फंक्शन डाला, लैम्डा एक्स कॉमा वाई कोलोन एक्स प्लस वाई कॉमा एल वन, वॉट डू थिंक विल बी द आउटपुट, सॉरी एक्स प्लस वाई नहीं, मैंने ये आउटपुट डाला, एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन वाई एल्स वाई। कोई बताएगा इसका आउटपुट क्या होगा? द आंसर विल बी 58, सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा, ठीक है। क्यों हुआ ऐसा देख लो, क्योंकि आपने जो कोड लिखा वो ये था, आपके पास कुछ नंबर्स थे 11, 12, 56, 58, 32, मान लो आपका लॉजिक है x कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन वाई एल्स वाई, ये आपका लॉजिक है, ठीक है। तो आपने पहले दो नंबर्स को लिया, उसके ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म किया, ठीक है। तो x ग्रेटर देन y ये फॉल्स है, तो y को लोगे आप, मतलब आप 12 को लोगे, 56 को लोगे, 58 को लोगे, 32 को लोगे, ठीक है। अब आप इन दोनों को लेके फिर से चेक करोगे, फिर से फॉल्स है, आप y को लोगे मतलब 56 को लोगे, तो अब बचा 56, 58, 32, अब आप इन दोनों को लोगे, फिर से फॉल्स है, आप y को लोगे तो 58 हुआ और 32 हुआ, फिर से आप ये कंडीशन अप्लाई करोगे, इस बार ट्रू है तो इस बार आप x को लोगे तो 58 बचा। तो दिस इज अ कोड जिसको यूज करके आप एक लिस्ट में से मिनिमम वैल्यू को तुरंत निकाल सकते हो, ठीक है। आई गेस आप इसका भी आंसर तुरंत बता पाओगे, इसका आंसर कोई बताएगा? अब क्या होगा, गोइंग बाय द सेम लॉजिक द आंसर शुड बी 11, सबसे छोटा 11 है ना, 11 होगा, ठीक है। सो दैट इज हाउ रिड्यूस वर्क्स, ठीक है। सो जस्ट टू समराइज हमने क्या क्या पढ़ा अभी, हमने सबसे पहले तो देखा लैम्डा फंक्शंस क्या होते हैं, फिर हमने देखा कि हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं, उसका हमने एक खुद से बनाया हुआ एग्जांपल देखा, फिर हमने तीन बिल्ट इन हायर ऑर्डर फंक्शंस देखे जो काफ़ी यूज होते हैं, मैप, फिल्टर और रिड्यूस। मैप का काम होता है गिवन लिस्ट के हर आइटम के ऊपर ऑपरेट करना, फिल्टर का काम होता है बेस्ड ऑन अ कंडीशन काम करना, और रिड्यूस का काम होता है लिस्ट को रिड्यूस करना, ठीक है। वी आर गोइंग टू डू लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन एंड डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन एक एक करके। लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, वॉट इज लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। सो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इज अ टेक्निक यूजिंग विच यू कैन क्रिएट अ लिस्ट फ्रॉम अनदर लिस्ट प्रोग्रामेटिकली, ठीक है। आई विल गिव यू अ फ्यू सिनेरियोस कैसे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज होता है। लेट्स से मेरे पास ये लिस्ट है, मुझे क्या करना है, मुझे इससे एक नया लिस्ट बनाना है जहां पे हर आइटम अपने गिवन पोजीशन के आइटम का डबल हो। लेट्स से हमें ये करना है, तो दो तीन तरीके हैं, या तो आप मैप फंक्शन यूज कर सकते हो, या फिर आप खुद का एक एम्प्टी लिस्ट बना करके लूप चला करके अपेंड करके कर सकते हो, बट अ वेरी शॉर्ट हैंड नोटेशन वुड बी दिस कि आप ये कोड लिखो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में। वॉट यू डू इज यू राइट इट लाइक दिस, आइटम टाइम्स टू फॉर एवरी आइटम इन एल, दिस इज द सिंटेक्स। सो आप क्या करते हो, यहां पर आप एक एक्सप्रेशन लिखते हो और यहां पर आप लूप चला देते हो एग्जिस्टिंग वाले पे, ठीक है, लाइक दिस, और अब एल वन विल बी दिस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ
किसी एग्जिस्टिंग लिस्ट के ऊपर ही कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, एल टू इज इक्वल टू आई का स्क्वायर फॉर आई इन रेंज ऑफ 10, ठीक है, ये भी काम कर सकता है। अगर आपको लेट्स से सिर्फ ऑड नंबर्स के ऊपर ही ये ऑपरेशन चला करके लिस्ट बनाना होता तो भी आप ये कर सकते थे, आप ये कोड लिखते, L3 इज इक्वल टू I का स्क्वायर फॉर I इन रेंज ऑफ 10, और फिर आप यहां पे लिख सकते हो इफ I मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। सो आप यहां पे आपने कंडीशन भी लगा दिया और ये रहा आपका L3, लाइक दिस, ठीक है। ये सेम काम आप, जैसे आपके पास फ्रूट्स वाला था, फ्रूट्स वाले में भी आप ये सेम लॉजिक लगा सकते हो कि लेट्स से मुझे सिर्फ वही फ्रूट्स चाहिए जो ओ से स्टार्ट हो रहे हो, तो आपका कोड ऐसा हो जाएगा, L4 इज इक्वल टू फ्रूट इन सॉरी फ्रूट फॉर एवरी फ्रूट इन फ्रूट्स, ये रीडेबल बनाने के लिए मैंने ऐसा लिखा, इफ द फ्रूट का फर्स्ट कैरेक्टर इज इक्वल टू ओ, ठीक है, ओ इक्वल टू नहीं डबल इक्वल टू, सॉरी गाइस, दिस शुड बी डबल इक्वल टू ऑब्वियसली, एंड ये रहा आपका L4, ठीक है। सो यू कैन सी थोड़ा बहुत लैम्डा फंक्शन और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन एक तरीके से ही काम कर रहा है, बट ये दोनों ही नोटेशंस काफी यूजफुल हैं झट से एक नया लिस्ट बनाने के लिए, ठीक है। और बिल्कुल ऐसे ही होता है डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन, आई विल क्विकली शो यू, इसी तरीके से डिक्शनरी बनाने के लिए डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन यूज होता है। लेट्स से हमारे पास एक डिक्शनरी है जिसमें है लेट्स से नेम नितिश, जेंडर मेल, एज 30, लेट्स से, ठीक है। बाय द वे शायद मैंने आपको डिक्शनरी में ये नहीं पढ़ाया, डी डॉट आइटम्स करने से आपको एक लिस्ट ऑफ टपल मिलता है जहां पे हर टपल में की वैल्यू पेयर्स होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, लेट्स से हमें इस डिक्शनरी से एक नया डिक्शनरी बनाना है जहां पर हम सिर्फ उन कीज को रखेंगे जिनका लेंथ 3 से ज्यादा हो, लेट्स से ऐसा हम एक डिक्शनरी बना रहे हैं। तो हम वो डिक्शनरी कैसे बनाएंगे, हम ऐसे बनाएंगे d1 इज इक्वल टू डिक्शनरी का नोटेशन की कॉमा वैल्यू फॉर की कॉमा वैल्यू इन d डॉट आइटम्स इफ लेंथ ऑफ की इज ग्रेटर देन 3। इनवैलिड सिंटैक्स फॉर की कॉमा वैल्यू, ओहो सॉरी माय बैड, दिस शुड बी इन द नोटेशन ऑफ डिक्शनरी, की कोलोन वैल्यू होता है, ठीक है, क्योंकि डिक्शनरी में आप इस नोटेशन से स्टोर करते हो इसलिए, ठीक है। और अब दिस इज योर डी वन, ठीक है, सिर्फ वही कीज आए जहां पे की में जो आपका लेंथ था दैट वाज ग्रेटर देन 3, ठीक है। आप ये सेम काम किसी लिस्ट से भी बना सकते हो, ठीक है, जैसे मुझे एक नया डिक्शनरी बनाना है इस लिस्ट से जहां पे की होगा यही नंबर्स और वैल्यू होगा इनका स्क्वायर, तो ये डिक्शनरी कैसे बनेगा, d2 इज इक्वल टू की, एक्चुअली की का जरूरत नहीं है, आइटम कोलोन आइटम का स्क्वायर फॉर एवरी आइटम इन L एंड दिस इज d2, ठीक है। अगर आपको ये करना होता कि सिर्फ इवन आइटम्स का ही आपको ये पूरा डिक्शनरी बनाना होता तो आप ये सेम कोड में इफ लगा देते, इफ आइटम मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। अब सिर्फ उन्हीं आइटम्स का बनेगा जो अपने इवन आइटम्स होंगे, ठीक है। सो इसको बोला जाता है डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन,
लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन दोनों को यूज किया जाता है प्रोग्रामेटिकली लिस्ट और डिक्शनरी बनाने के लिए फ्रॉम अ गिवन इनपुट। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज थी, ये इतनी पूछी नहीं जाती है, बस कभी कभी ये सिंटेक्स यूज हो जाता है क्वेश्चंस में, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए आपको पढ़ा दिया। ठीक है,